अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे अर्दगल तूतकीन को आकर कहते हैं, ऐसा मत करो भाई। तूतकीन कहता है, क्या तुम्हें इस औरत के लगाए हुए बहुतानों के बारे में पता है? या तुम सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं करना चाहते? ये कह रही है कि आयतरुन ने मेरी वालिद और वालदा का कत्ल किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। अर्दगल कहते हैं, हमें अदालत का इंतज़ार करना चाहिए। तूतकीन कहता है, अदालत जाए जहन्नुम में, क्या आप इस औरत की मदद कर रहे हैं? इसी दौरान हैमा हतुन भी वहां आ जाती हैं। तूतकीन कहता है, आपकी बहू सैलजान का मेरे वालिद के कत्ल में ज़रूर कोई हाथ है, मैं इसे अदालत में बुलवाना चाहता हूँ। हैमा हतुन कहती हैं, ये सिर्फ जिरगे की अदालत में बोलेगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तूतकीन कहता है, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मेरे गुस्से का सामना करना होगा। हैमा हतुन कहती हैं, तुम्हारा इस तरह हमला करना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना एक सरदार को जेब नहीं देता, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तूतकीन कहता है, क्या आप भी इस औरत के साथ हैं? हैमा हतुन कहती हैं, सैलजान से हिसाब लेना और उसको सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, तुम अपनी हद में रहो। फिर तूतकीन अर्दगल से कहता है, उम्मीद है इन सब में तुम्हारा हाथ नहीं होगा। अर्दगल कहते हैं, एक दिन तुम हम सब से माफ़ी मांगोगे। इसके बाद तूतकीन अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर हैमा हतुन अब्दुलरहमान से कहती हैं, सैलजान के खेमे के बाहर दो सिपाही तैनात कर दो। इसके बाद सब लोग वापस अपने खेमे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ दुआन बानो को लेकर कबीले से बाहर निकल जाता है। इसके बाद गुंदुगदू हैमा हतुन के पास जाता है और कहता है, सैलजान मेरी बीवी है और हमने एक साथ इतने साल गुजारे हैं, और वो हमारे साथ गद्दारी कैसे कर सकती है? हैमा हतुन पूछती हैं, क्या किया है उसने? गुंदुगदू कहता है, आपकी मरहूम वालदा का कड़ा सैलजान ने उस बूढ़ी औरत को दे दिया था, और गुंजगुल ने कहा है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अर्दगल कहते हैं, गुंजगुल के अल्फाज किसी चीज़ को साबित नहीं करते भाई। गुंदुगदू कहता है, गुंजगुल के मुताबिक सैलजान ने ही उस बूढ़ी औरत को मारा था, और ये कड़ा उस बात का सबूत है। इसका मतलब है सैलजान कुरकुतबे के कत्ल में भी मुलव्वस है, सैलजान ने हमें तबाह कर दिया है। फिर हलीमा गुंदुगदू को जाते हुए रोक लेती है और कहती है, अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलें, कुछ देर पहले तूतकीन ने सैलजान पर हमला किया है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरह के मंसूबे बना रहे हैं? इस पर अर्दगल गुस्से से हलीमा को खामोश कराते हैं और गुंदुगदू वहां से चला जाता है। फिर गोकचे तूतकीन के पास आती है और कहती है, मुझे अर्दगल, मेरी बहन और मेरी माँ किसी की परवाह नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर वहाँ आयतरुन आती है और तूतकीन से पूछती है, क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तूतकीन कहता है, हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसी दौरान गुंदुगदू वहाँ गुस्से में आता है और तूतकीन से कहता है, तुमने ये क्या किया है? मेरी बीवी के खेमे में तुम कैसे घुस सकते हो? वो खेमा मेरी इज्जत है, क्या तुम नहीं जानते ये? आयतरुन कहती है, तूतकीन अभी गम में है, अगर तुम तूतकीन की जगह होते तो तुम भी यही करते। तूतकीन कहता है, सैलजान की जबान ने जो जहर उगला है उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी जिंदा है। फिर गुंदुगदू गुस्से से कहता है, अपनी हद में रहो तूतकीन, अगर ये बात है तो उसे सजा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। फिर आयतरुन उनके बीच आ जाती है और रोते हुए कहती है, कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है? फिर गुंदुगदू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब्दुलरहमान कबीले के बाहर दो घोड़ों के साथ बानो चिजक और दुआन का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं और घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कबीले के पिंजरे में दो सिपाही बंधे हुए होते हैं। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और उन्हें खोलकर पूछता है, किसने किया है? सिपाही कहता है, दुआन अल्प ने, वो यहाँ आया था, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है, हम दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ खेमे में सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी दौरान सिपाही वहाँ आता है और उन्हें बताता है, बानो चिजक भाग गई है। ये सुनकर तूतकीन फौरन उठता है और पूछता है, कैसे हुआ ये? सिपाही कहता है, ये सब कुछ दुआन के वहाँ जाने के बाद हुआ है। इस पर तूतकीन अर्दगल का नाम लेता है। आयतरुन कहती है, अर्दगल इसमें कैसे शामिल हो सकता है? यकीनन उन्हें किसी चीज़ का खौफ होगा, वरना वो ऐसा काम कभी नहीं करते। तूतकीन कहता है, अब आपको पता चला कि वो अदालत को क्यों मुलतवी करना चाहते थे। तूतकीन कहता है, अगर बामसी और तुरगुत अपने खेमे में मौजूद हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। फिर तूतकीन कहता है, अब आपको अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका खून आप पर हलाल है। लेकिन गुंदुगदू सच के साथ है, और हो सकता है कि हैमा हतुन को अर्दगल ने ही गुमराह किया हो। दूसरी तरफ बानो और दुआन कबीले से बहुत दूर पहुँच जाते हैं। बानो पूछती है, तुमने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया दुआन, या तुमने ये सब अर्दगल के लिए किया है?
दोन कहता है, मैं अर्तुगरुल भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता। इतने में इब्नुल अरब भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, उनके लिए कोई मौत नहीं जो अपने प्यारों के लिए मर सकते हैं, और उनके लिए कोई गम नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर वो उन दोनों को अपने साथ चलने का कहते हैं और वो इब्नुल अरबी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गोकचे सरजान के पास आती है और कहती है, क्या बानो चचा के भागने में तुम्हारा हाथ है? फिर वो कहती है, तुमने कभी यकीन नहीं किया कि मैं तूतकीन को चाहती थी, और तुम हमेशा समझती थी कि मैं अर्तुगरुल को हासिल करने के लिए तूतकीन से मिली, और अब तुम दोबारा अपने ही फ़ायदे के लिए गोंजगुल और गोंदोगदू की शादी रुकवाने की कोशिश कर रही हो। फिर सैलजान कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम किन शैतानों के बीच में फंसे हैं, और क्या तुम समझी नहीं कि कोरकुब्बे की मौत अभी तो शुरुआत है? जब तक उनका मकसद हासिल नहीं हो जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार देंगे। गोकचे कहती हैं, तुम समझती हो कि हर कोई तुम्हारे जैसा है, और तुमने अपने मकसद के लिए कितने लोगों को सताया है, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम हमेशा से चाहती थी कि मैं सरदार की बीवी बनूं, अब मैं हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे घटिया चालों से नहीं बनी क्योंकि मैं उसे चाहती थी। अगर बानो चचा को भगाने में तुम्हारा हाथ हुआ और अगर आयतुल्लाह ने जो भी कहा वो सच हुआ, तो मैं तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए सब कुछ करूँगी। ये कहकर गोकचे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बामसी और तुर्गुत अपने खेमे में तैयार हो रहे होते हैं। इतने में दुर्गा के कुछ सिपाही अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं, बाहर जाओ। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तुर्दकीन अपने कुछ सिपाही लेके वहाँ मौजूद होता है। तुर्दकीन तुर्गुत से पूछता है, दोन कहाँ है? तुर्गुत कहता है, हम जब उठे तो वो यहाँ से जा चुका था। फिर तुर्दकीन बामसी से पूछता है कि दोन कहाँ है? बामसी कहता है, हमें नहीं पता है भाई। फिर तुर्दकीन गुस्से में बामसी के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन बामसी इस पर खामोश हो जाता है क्योंकि अर्तुगरुल ने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था। फिर तुर्दकीन कहता है, इन दोनों को बांध कर यहाँ से ले आओ, देखना यह है कि अर्तुगरुल क्या कहता है। दूसरी तरफ हैमा हातुन के खेमे में सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, अब हर चीज़ मजीद मुश्किल होने वाली है, अब वो हमारे साथ मजीद दुश्मनी करेंगे, अब इस घटिया खेल को ख़राब करना हमारी जिम्मेदारी है। हैमा हातुन कहती हैं, अब ये सब ख़त्म करो, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। इतने में तुर्दकीन की आवाज़ आती है कि अर्तुगरुल बाहर आओ, और सब लोग उठकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्दकीन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुर्दकीन के सिपाही बामसी और तुर्गुत को भी गिरफ्तार करके वहाँ ले आते हैं। फिर हैमा हातुन आगे आकर तुर्दकीन से पूछती हैं, ये क्या हो रहा है? तुर्दकीन कहता है, अर्तुगरुल के सिपाही दोन ने मेरे बाबा के कातिल को यहाँ से भगा दिया है, और मेरे सिपाही इस बात के गवाह हैं। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता तुर्दकीन बे। फिर वो पूछते हैं, तुर्गुत और बामसी क्यों बंधे हुए हैं? तुर्दकीन कहता है, यहाँ मैं हिसाब लेने आया हूँ, तुम नहीं अर्तुगरुल बे। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, मेरा हिसाब सिर्फ अल्लाह ले सकता है तुर्दकीन, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तो इन दोनों को छोड़ दो। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, अगर इनका कोई कसूर है तो इनको सजा देने की जिम्मेदारी मेरी वालदा की है। हैमा हातुन कहती हैं, अर्तुगरुल सही कह रहा है तुर्दकीन, तुम्हें याद है जब तुमने अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों पर इल्ज़ाम लगाया था, और ये मत भूलो कि इन्हीं बहादुर आदमियों ने तुम्हारी जान भी बचाई थी और तुम्हें जिंदा सलामत कबीले में यही लोग लाए थे। फिर हैमा हातुन अब्दुलरहमान से कहती हैं, तुर्गुत और बामसी को जाकर खोल दो। फिर गुंदोगदू कहता है, दोन ने जुर्म किया है और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम कुछ भी जानते हो तो तुम्हें वालदा को सब बताना होगा, लेकिन अगर किसी को सज़ा देना है तो वो सिर्फ हैमा हातुन दे सकती हैं, और इस रवैये के साथ काई कबीले में पेश आना मना है। फिर तुर्दकीन कहता है, मैं दोन अल्प को तलाश करके लेकर आऊँगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर दोन अल्प और बानो चचा को सज़ा ना मिली तो मैं हर चीज़ का जिम्मेदार अर्तुगरुल को समझूँगा। हैमा हातुन कहती हैं, तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे हाथ में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो मेरे सिपाहियों के हाथ खोल दो। फिर तुर्दकीन अपने सिपाही सामसा को हुक्म देता है और कहता है कि सिपाहियों का इंतज़ाम करो और दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी बानो और दोन को लेकर एक गार में जाते हैं। दोन पूछता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ से रवाना हो जाएं। इब्नुल अरबी कहते हैं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर वो कहते हैं, अल्लाह अपने चाहने वालों को आजमाता है, इसलिए तुम लोग कभी मायूस मत होना, हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार दिन ज़रूर आता है। इसके बाद वो दोनों उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हायमा हातून अर्दगुल से कहती हैं, तुगदकीन का गुस्सा हमें कहाँ तक ले जाएगा, क्या तुमने इसका हिसाब लगा लिया है? अर्दगुल कहते हैं, वालदा, इसका गुस्सा इसे जल्द ही हकीकत की तरफ ले जाएगा, जब तक हम सब सच के साथ खड़े हैं। उसी दौरान गुंदोगदू वहाँ आता है और अर्दगुल पर गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुमने इसीलिए अदालत के फैसले को मुलतवी करवाया था ताकि तुम दुआन से ये काम करवा सको। हायमा हातून कहती हैं, ये तो वाजे है कि दुआन ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था और उसे वो बेगुनाह समझता था। गुंदोगदू कहता है, अर्दगुल हम सब के लिए खबरें खोद रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम सब इस मसले से कैसे निकलेंगे। दूसरी तरफ सामसा तुगदकीन के पास आकर बताता है कि सिपाही तैयार है। तुगदकीन कहता है, तुम कबीले में ही रहना और अर्दगुल और उसके सिपाहियों पर कड़ी नज़र रखना। फिर गुमुश्तकीन तुगदकीन से आकर कहता है, तुम्हें खुद इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, ये मसला सिपाहियों के सरदार गुंदोगदू को देखने दो, अब तुम्हें यही जेब देता है कि तुम अपने खेमे में बैठ कर ये काम करो और ख़ास कर जब तुम इस कबीले के सरदार हो। इसके बाद अर्दगुल सैलजान को बुलाकर कहते हैं, अर्तुगबे गुंजगुल को किसी न किसी बहाने से कारा कैसर की तरफ भेजेगा और तुम्हें उसके सामने कुछ ऐसा करना है कि वो तुम्हें देख ले और तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दे, और कारा कैसर के मुकाम पर बानो चुजक तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और जो भी बातें तुम बानो चुजक से करोगी वो सारी गुंजगुल को सुनाई देनी चाहिए। इस दौरान तुम्हें उसे ये ज़रूर कहना है कि कल शाम तुम फिर से बानो से मुलाकात करोगी और उसे आयतुलन के खिलाफ सबूत हासिल करोगी, और ये सारी बातें गुंजगुल आकर आयतुलन को ज़रूर बताएगी। फिर अगले दिन आयतुलन वहाँ जाएगी ताकि वो सबूत तुम लोगों से हासिल कर सके। सैलजान कहती है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, आप परेशान मत हो। हायमा हातून कहती हैं, अगर आयतुलन वहाँ ना गई तो हम क्या करेंगे? अर्दगुल कहते हैं, अगर उसे यकीन आ गया कि बानो के पास उसके कत्ल का सबूत है तो वो वहाँ ज़रूर जाएगी, और इस दौरान सुगुर्दकीन छुपकर सैलजान की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ तुगदकीन गुमुश्तकीन से कहता है, अच्छा तो अर्दगुल ने इसी वजह से अदालत को मुलतवी किया था। गुमुश्तकीन कहता है, मैंने अपने तीन सिपाहियों को अर्दगुल के सिपाहियों के पीछे साए की तरह लगा दिया है। उस रात तुर्गुत और बामसी अपने खेमे के सामने लड़ रहे थे, यकीनन दुआ ने इसी का फ़ायदा उठाया है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस मामले में अर्दगुल भी मुलव्वस है। फिर वहाँ गुंदोगदू आता है, तुगदकीन गुंदोगदू से कहता है, आप सिपाहियों के कमांडर हो इसलिए ये बेहतर होगा कि दुआन और बानो चुजक को तलाश करने के लिए आप जाओ। गुंदोगदू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द उन दोनों को पकड़ कर ले आऊँगा। दूसरी तरफ दुआन और बानो चुजक जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं। दुआन कहता है, हमें यहाँ पर कोई निशान छोड़ना होगा ताकि वो हमें तलाश कर सकें। फिर बानो चुजक अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ कर उसे देती है, फिर दुआन उसे पेड़ की शाख पर लगा देता है, फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुमरुल हायमा हातून को आकर बताता है कि तुगदकीन ने गुंदोगदूबे को हुक्म दिया है कि वो दुआन और बानो चुजक को तलाश करें। सुगुर्दकीन अर्दगुल से कहता है, ऐसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे। अर्दगुल कहते हैं, गुंदोगदू उसे वहीं से पकड़ेगा जहाँ से मैं चाहूँगा और वही उसे कबीले में सही सलामत वापस लाएगा। फिर वो हायमा हातून से इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदू भी जाने के लिए अपने खेमे से बाहर निकलता है कि उसी दौरान गुंजगुल उसे वहां रोक लेती है और कहती है, इन्हें ढूंढें ताकि जिस गद्दारी ने हमारे खेमे में आग लगाई है वो ख़त्म हो। गुंदोगदू कहता है, तुम फिक्र ना करो, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत जल्द वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और यहां ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। And thanks for watching.